हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो, ठीक है। तो आपको टाइटल देखे तो समझ लग गई होगी कि आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे जीमेल एसएमटीपी के साथ, ठीक है। आपको याद होगा हमने लास्ट में किया था मेल टैब डॉट आईओ को यूज करके हमने अपनी ईमेल वेरिफिकेशन कराई थी, ठीक है। तो आज हम जो भी नया यूजर रजिस्टर करेगा हमारी साइट पे, तो हम उसको एक वे शॉप के जो तरफ से जो एक ईमेल जाएगी कि आपने जो भी है रजिस्टर किया है हम अपना अकाउंट, तो उसके लिए हम एक उनको थैंक्स का मैसेज भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एसएमटीपी जीमेल एसएमटीपी के लिए सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जीमेल के साथ, ठीक है। आपकी एक ईमेल आईडी चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है, और तो कुछ नहीं। और जैसा कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं अपने एक गूगल का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, आप भी अपना कोई भी जीमेल आईडी अगर जो भी यूज करते हैं आप उसको यूज करके आप एक उसकी एसएमटीपी की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट से लॉगिन करूंगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो सेटिंग क्या चीज है, ठीक है। तो फिर हम उसको आगे वीडियो लेकर चलेंगे, ठीक है। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर गया, तो इसको तो मेरे से वेरीफाई पूछ रहा है, तो उसको मैं यस कर लूँ क्योंकि मैंने सिक्योरिटी लगाई हुई थी, तो उसको वजह से। तो ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। तो मैं आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे मैनेजर गूगल अकाउंट में आना है, ठीक है। गूगल अकाउंट पे आने के यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का एक टैब मिलेगा, वहाँ पे आ जाना आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें, स्टेप टू वेरिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए और एक आपका ऐप पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ये दोनों चीज़ें ऑफ हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। उसके लिए मैं आपको यहाँ से पहले टर्न ऑफ कर लूँ अपने सिस्टम को, ताकि आपको वेरिफिकेशन सही पता चल जाता है। ये मेरे से पासवर्ड मांग रहे दोबारा, तो मैं इसको पासवर्ड देता हूँ अपना। तो मैं ओके मोर वेज टू वेरीफाई गूगल अकाउंट, यस ओके ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑफ कर लूँ पहले, ठीक है। मैं इसको टर्न ऑफ कर दिया, ओके जी टर्न ऑफ हो गया जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अब स्टेप टू वेरीफाई ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐप पासवर्ड जो ये भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझाता हूँ। इसको मैं दोबारा पासवर्ड देना पड़ता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ये क्या कह रहा है, सिक्योरिटी स्टेप टू वेरिफिकेशन, ओके। उस स्टेप टू वेरिफिकेशन मैंने क्या ऑफ किया, तो जिसकी वजह से उसने ऐप पासवर्ड भी डिलीट कर दिया। तो मैं इसको दोबारा से जाता हूँ, गेट स्टार्टेड करता हूँ। ऐप पासवर्ड स्टेप टू वेरिफिकेशन का आपको तरीका अपना बताने लगा हूँ। तो शो मोर, अगर आपने इसको ट्राई ना करना है तो एक प्रॉम्प्ट एक मैसेज आएगा, उसको आप येस कर देंगे अपने डिवाइस के साथ, ठीक है। ये मेरी दो डिवाइसेज हैं जिसके साथ ये ईमेल अकाउंट कनेक्ट है, ठीक है। तो आपका भी जो डिवाइस होगा उसके साथ आपकी यहाँ पे डिवाइस शो हो रही होगी, ठीक है। जब आप इसको ट्राई ना करेंगे तो आपके डिवाइस पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप येस कर देंगे तो आपका स्टेप टू वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस तरीके से नहीं करना तो आप शो मोर ऑप्शन पे आइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल, ठीक है जी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे उसका जो भी नंबर होगा आपका, वो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट मैसेज पे लेकर जाऊंगा, तो उसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे एक मैसेज रिसीव होगा मेरे नंबर पे, ठीक है। वो मैं कोड लगाऊंगा यहाँ पे, तो मेरा स्टेप टू वेरिफिकेशन अनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कोड आ गया, तो मैं उसको कोड लगाता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा कोड था, तो इसको मैं कोड लगा दिया, तो इसको मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। जी हाँ, मेरा स्टेप टू वेरिफिकेशन अब ऑन हो गया। तो मैं दोबारा अकाउंट्स में जाता हूँ ये सिक्योरिटी के टैब में, तो आप ये देखिएगा ये मेरे पास स्टेप टू वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब मेरे पास देखें ऐप पासवर्ड दे रहा नन, इसको मैं अब ऐप पासवर्ड भी क्रिएट करूंगा, ठीक है। ऐप पासवर्ड के लिए फिर मुझसे लॉगिन मांग रहा है, तो कोई मसला नहीं, हम इसको दोबारा दे देते हैं। तो मैं लॉगिन किया यहाँ से, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मेल के लिए मैंने यूज करना है, तो आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे। और सेकंड डिवाइस यूज़ करनी है, तो मैं विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत से जो यूज़र होते हैं वो कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं, बेसिकली लैपटॉप जो भी डेस्कटॉप, मैं ये विंडोज़ कंप्यूटर का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं जनरेट कर दूंगा, तो मेरे पास एक की आ जाएगी, ये की मैंने कॉपी कर लेनी है यहाँ से।
आपने अपनी अपनी की देनी है। काइंडली आप मेरी की ना यूज करने दीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी जीमेल अकाउंट के साथ एसएमटीपी के साथ लिंक करवाना है, आपने मेरा अकाउंट नहीं यूज करना, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी यूज कीजिएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं ना मैं इसको सेव कर लूँ, ताकि ये हमने ENV की फाइल में यूज़ करनी है, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ, ठीक है जी। हमारी जो है ऐप पासवर्ड भी जनरेट हो गया, अगर आप ये देखिएगा तो हमारी ये जो दो चीज़ें हैं ये अनेबल हो चुकी हैं, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये स्टेप टू वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए और आपका एक ऐप पासवर्ड होना चाहिए, उसको आप सेव कर लीजिएगा किसी जगह पे। तो अब हम जाते हैं अपने ENV की फाइल पे, ENV की फाइल पे जाके हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अपनी SMTP की। यहाँ पे आप देखिएगा हमने यहाँ पे जो भी था मेल टैप डॉट आईओ किया हुआ था, ठीक है जी। यहाँ पे हम करेंगे जी gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्ट होगा, बेसिकली जो जीमेल जो SMTP की पोर्ट होती है वो होती है 587, ठीक है जी। उसके बाद यूजर नेम आ जाएगा हमारा gmail ID, ठीक है जी, 48@gmail.com। और उसके बाद जो ईमेल पासवर्ड है, बेसिकली ये जो हमारी जो की जनरेट हुआ था ऐप पासवर्ड का, वो हम की यहाँ पे देंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने की यहाँ पे दे दी, ठीक है। और मेल इंक्रिप्शन में जाएंगे हम TLS, ठीक है। और उसके बाद अब हमने कहाँ जाना है, मेल डॉट PHP की फाइल में, कन्फिग के फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे होगी हमारे पास मेल डॉट PHP की फाइल, ठीक है। इसको भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा जी किस फॉर्म एड्रेस की जगह आएगा, यहाँ पे हम क्या जो सी ईमेल के साथ आप भेजना चाहते हैं फॉर्म, जब यूज़र को कोई ईमेल जाए तो किस ईमेल से वो उसको शो हो, तो वो मैं ईमेल यहाँ पे बता दूंगा जिससे हमने अपनी सेटिंग की है, ठीक है, वही ईमेल हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे नेम जो होगा आपका, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, तो मैं दे रहा हूँ वे शॉप, ई वे शॉप वेबसाइट, ठीक है जी। यहाँ वे शॉप ऑनलाइन स्टोर कुछ भी दे दें आप, ठीक है जी, ये आपके कोई भी स्टोर का नाम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। बस यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इसको भी यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो SMTP मेल टैप के साथ यूज़ किया हुआ था उसको अब हम डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा राउट्स की फाइल में, यहाँ पे web.ph की फाइल में, तो आपको जहाँ पे नजर आएगा ये मिडलवेयर, एक वेरीफाइड, एक ये हमने यूज़ किया था, इसको मैं रिमूव कर दूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, और एक ये वेरीफाइड ट्रू, इसको भी मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास बार बार वो वेरीफाई की ऑप्शन ना दे, ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ जी अपनी वेबसाइट पर, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं एक नया यूज़र लॉग इन करवाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक उसको जो भी है एक अपनी एक ईमेल वेरिफिकेशन का कोड भेजेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे अपने कंट्रोलर में, ऐप HTTP कंट्रोलर, और यहाँ पे आएगा यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है जी। यूजर कंट्रोलर में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रजिस्टर यूजर का करवाया होगा, ये रजिस्टर यूजर का फंक्शन है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एल्स के बाद यहाँ पे हम डाटा सेव करवा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम सेंड ईमेल के लिए सेंड रजिस्टर यूजर ईमेल, ठीक है जी, यहाँ पे हम उसका कोड देंगे। तो उसके लिए क्या करना है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर डाटा ईमेल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे आएगा डॉलर मैसेज डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ईमेल, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा डॉलर डाटा ईमेल, जो भी यूज़र अपनी ईमेल इनपुट करेगा वो बेसिकली वो ईमेल हम उससे गेट कर रहे हैं, और जो भी उसने अपना नेम दिया होगा वो हम यहाँ से उसका नेम भी ले रहे हैं, नेम डॉलर डेटा नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा मेल का फंक्शन सेंड, यहाँ पे हम अपनी ब्लेड फाइल बनाएंगे HTML की फाइल, जहाँ पे जो भी हम ईमेल का टेम्पलेट सेट करेंगे वो वैसा ही टेम्पलेट ईमेल पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा एक ईमेल का फोल्डर होगा, यहाँ पे होगा जी रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP की फाइल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डॉलर मैसेज डाटा, उसके बाद आ जाएगी फंक्शन डॉलर मैसेज, उसके बाद आ जाएगा जी यूज डॉलर ईमेल, उसके
बाद आ जाएगा नेक्स्ट, हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं आई गेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अब हम वो यहाँ पे हम अपनी ईमेल बता देंगे, इस ईमेल के जरिए हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन की है, इस ईमेल के जरिए हमारे जितने भी ईमेल आउटगोइंग जाएंगे वो हमें अपनी ईमेल बता देंगे यहाँ पे, डॉलर मैसेज टू डॉलर ईमेल, जो भी यूज़र की ईमेल होगी उस ईमेल पे हम लेकर जाएंगे इसको। और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर वे शॉप अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ये बेस्ट है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर वे शॉप, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बस इतना सा कोड है मेल को जनरेट करवाने का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टॉप हेडर पे, हम एक क्लास दे देंगे यहाँ पे मेल की, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा मेल, ठीक है जी। ओके फाइन, यहाँ तक बस इतना सा काम था मेल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना सर्वर जो है दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं जैम कंट्रोल ले लेता हूँ, यहाँ उसको मैं स्टॉप करता हूँ ताकि हमारा जो भी काम है, ताकि कोई एरर ना आए, ताकि हम इसको सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं, और आप भी अब ऐसे ही कीजिएगा। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा अगेन, ओके। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करने लगा हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट, ठीक है। ओके इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो यूज़र्स के टेबल में अगर मैं आता हूँ तो यूज़र्स के टेबल में आप देखेंगे कि ये यूज़र की एंट्रीज हुई हैं, ठीक है। तो इन ईमेल्स को छोड़ के मैंने एक नया ईमेल के साथ रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो मेरे अभी याद नहीं है हम क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर है योप मेल, ठीक है। योप मेल क्या करता है, बेसिकली आपको फेक ईमेल इनबॉक्स दे देता है, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ योप मेल को, फर्स्ट लिंक को, ये बेसिकली ईमेल सर्विस प्रोवाइडर फेक ईमेल्स देता है, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, लेट्स सेज एमी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ना ईमेल दे देता हूँ, amy1234@yopmail.com, ठीक है जी। ईमेल जो भी देगा, अगर आप योप मेल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो ये फेक एंट्रीज के लिए यूज़ होता है ईमेल्स। अब जो भी अब यूज़र क्रिएट होगा वो बेसिकली फेक ईमेल्स तो नहीं ना देगा, वो अपनी जो करंट ईमेल होगा वही इसे लॉगिन करेगा जैसे जीमेल है। तो ये हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़र जो भी होगा अपनी नई ईमेल देगा, ठीक है, न्यू एक्यूरेट ईमेल देगा, तो उस पर जाके उसको मेल रिसीव होगी। मैं आपको एक एक्चुअल जीमेल अकाउंट के साथ भी लॉगिन होकर दिखा के आपको मेल चेक करवा सकता हूँ, और मैं पहले योप मेल के साथ आपको चेक करवा दूँ, ये बेसिकली टेस्ट ही है, ठीक है। तो इसका मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। सॉरी एक चीज़ तो हम भूल गए, हमने इसकी ब्लेड फाइल तो बनाई नहीं अभी, सॉरी सॉरी। तो हमें इसकी एक ब्लेड फाइल भी बनानी पड़ेगी अभी, अभी ये कहाँ तक ये काम खत्म नहीं हुआ, इसकी हमें एक ब्लेड फाइल बनानी पड़ेगी, सॉरी मैं भूल गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें वेशअप के अंदर ईमेल रजिस्टर की एक मेल फेल बनानी पड़ेगी, जी हाँ बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास कोई टेम्पलेट ही नहीं है जो हम ईमेल पे सेंड करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे वेशॉप में, वेशॉप में मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा ईमेल के नाम से, ठीक है जी। एक फोल्डर क्रिएट होगा, इसके मैं अंदर एक फाइल दे दूंगा जी, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है जी। रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट php की फाइल होगी। तो यहाँ पे मैं अपना टेम्पलेट ले लेता हूँ जी, ओके। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी टेम्पलेट, यहाँ पे दे देते हैं जी अकाउंट रजिस्ट्रेशन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बस इतनी मैं हेडिंग दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे हाय या डियर, कुछ भी होगा उसका नाम दे देंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं जी डॉलर नेम, ठीक है, नाम आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से।
अब आपकी मर्जी, आप इसको जितना अच्छा स्टाइल कर सकते हैं आपकी मर्जी है। मैं एक बेसिकली सिंपल सा टेम्पलेट बनाऊंगा HTML का, ठीक है, आप इसको जितना अच्छा स्टाइल कर सकते हो आपकी मर्जी है। और उसके बाद लिख देते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। उसके बाद फिर ब्रेक टैग, मैं ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ योर अकाउंट इंफॉर्मेशन हैज गिवन बिलो, ठीक है जी। और उसके बाद अगेन मैं br का टैग यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास ईमेल, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे यूज़र की डॉलर ईमेल शो करवा देंगे। और यहाँ पे अगेन ब्रेक टैग यूज़ करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड, उसको पासवर्ड हम बता देते हैं जी डॉलर, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा बेसिकली। यहाँ पे लिख देते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू सेट, ठीक है जी। इसके बाद अगेन मैं br का टैग यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद रिगार्ड्स, फिर br का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं वे शॉप टीम, ठीक है जी। ओके जी, ये हमारा टेम्पलेट सेट हो गया, तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिकली अभी योकमेल को नहीं दिखाता, अगर मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है मैं लॉगिन करता हूँ, अब आपको एक ओरिजिनल ईमेल आईडी के साथ मैं लॉगिन करवाऊँगा यहाँ पे। तो पहले मैं देख लेता हूँ वो यहाँ पे क्रिएट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ जी अलवाज, ये मेरे छोटे भाई का नाम है तो उसी की आईडी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसकी जो रियल आईडी है वो मैं यूज़ करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सेम जीमेल आईडी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके साथ चेक भी करूँगा, तो मैं चेक कर रहा था कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। तो अगर ये कार्ड पे ले जाता हमें तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा काम हुआ है। देखते हैं हमें मेल रिसीव हुई है नहीं। जी हाँ, ये हमें कार्ड पे ले आया। तो अब ये आप देखिएगा यहाँ पे हमारी यूज़र एंट्री हो गई है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ, तो मैं इस अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। तो आपको मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि हमारे पास वो मेल आई है या नहीं आई, ताकि आप ये ना कहें कि आप फेक वीडियो बना रहे हैं, कि बहुत बार ऐसा होता है। तो इस ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करूँगा, तो देखना मुझे ईमेल आई होगी, 100% श्योर की आई होगी। ओके जी, तो मैं पासवर्ड लगाता हूँ इसका। ओके जी, अब मैं जीमेल पे जाऊँगा। तो ये देखिए जी, ये देखिए, ये मेल आई है मुझे वे शॉप ऑनलाइन की तरफ से। ये आप देखिए, यही टेम्पलेट हमने सेट किया था, और उस ईमेल के जरिए जो भी लॉगिन यूज़र का नाम था उसने वो नाम ले लिया अलवाज के नाम से अकाउंट रजिस्ट्रेशन। आप ये देखिए, वही टेम्पलेट है जो हमने यहाँ पे क्रिएट करवाया था, ठीक है जी। तो आप ये देखिए, हमें यहाँ पे मेल रिसीव हो गई है वे शॉप ऑनलाइन स्टोर की तरफ से, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यही ईमेल आईडी के साथ मैंने लॉगिन रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो इस ईमेल के जरिए मुझे, इस ईमेल के जरिए आप ये देख सकते हैं, हमने SMTP सेटिंग की थी, तो इस ईमेल के जरिए हमें ईमेल रिसीव हुई है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक योपमेल का भी आइडिया दे देता हूँ। योपमेल बेसिकली क्या है, मैं एक बेसिकली अब यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, एक योपमेल आईडी से भी लॉगिन करवाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली लिखा, हमें फ्री सर्विसेज देता है आपको कोई भी, अगर आपने फेक टेस्टिंग करनी है डेवलपर के लिए, तो उसके लिए आपको फेक एंट्री या ईमेल क्रिएट करके आपको इनबॉक्स इनबॉक्स पे ले जाता है @yokmail.com, ठीक है जी। इसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं, तो इसके साथ भी मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं साइन अप करता हूँ, तो आपको ये देखिए योपमेल वाली ईमेल के साथ मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। तो लॉगिन हो गया, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे भी एक और यूज़र आ गया होगा एमी के नाम से, ठीक है जी। ये ईमेल आईडी हम इसको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो चेक इनबॉक्स पे लेकर जाएगा हमें। तो ये देखिए, एक वे शॉप ऑनलाइन की तरफ से हमें यहाँ पे भी ईमेल रिसीव हो गई है, ठीक है जी। तो आप ये देखिए, डियर एमी, या देखिए वही नेम यूज़ कर रहा है जो हमने नाम दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस भी भेजेंगे, ठीक है, कि कोई जब तक वो अपनी ईमेल एड्रेस को कंफर्म नहीं करता वो अब तक इससे लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी को हमने रोकना है, ठीक है। तो ये पहले हमने mailtrap.io की सर्विस ली थी, अब हम जीमेल के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।